यकीन है क्योंकि जिस मुद्दे को मैं लेकर आ रहा हूं उस पर कोई चर्चा भी नहीं होगी, मुझे यह भी यकीन है, लेकिन फिर भी लेकर आ रहा हूं। संजय सिंह ने यह विषय उठाया है और गंभीरता के साथ इस विषय को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। कौन संजय सिंह? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, बहुत गंभीर विषय उठाया है और मैं दिखाना चाहूंगा। और इस विषय पर बाकायदा द वायर ने, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इस रिपोर्ट को सामने रखें, गुर्रे शेख, इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका बिजली बोर्ड के प्रमुख का दावा, यह रिपोर्ट बताती है, दावा यह कि देश के प्रधानमंत्री ने राजपक्षे को पावर प्रोजेक्ट अडानी को देने को कहा। श्रीलंका के बिजली प्राधिकरण के प्रमुख ने एक संसदीय पैनल के सामने ये गवाही दी। और वो जो गंभीर विषय है, बिल्कुल देखिए, ये एक झूठी बात उन्होंने की थी और उसके बदले में उनको सेक कर दिया गया है। अब क्यों बोली थी, अंतरराष्ट्रीय नेक्सस क्या है भारत को बदनाम करने के लिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है कि चीन जरूर चाहेगा कि मोदी जी बदनाम हो, एक स्ट्रॉन्ग मैन है। खबर सच्ची है झूठी मैं ये पूछ रहा हूं। गुरेश भाई, वो कह रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट के मुताबिक की पैरवी की गई थी, देश के प्रधानमंत्री ने पैरवी की अडानी के नाम की। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको श्रीलंका की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका पे यकीन है या भारतीय जनता पार्टी पे यकीन है कि द वायर पे यकीन है? खंडन कर दीजिए आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको किस पे यकीन है, वायर पर, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका या हम पर, तीनों में से? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप खंडन कर दीजिए ना, ऐसी कोई लेना देना नहीं। आप उत्तर दे कि आपको किस पे यकीन है, उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा ना। मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा सर, एक ट्वीट, ये ट्वीट है अक्टूबर 2021 का, प्लीज प्ले करिएगा। और इस ट्वीट में मैं सिर्फ वो अंश दिखा रहा हूं जो इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी ने अक्टूबर 2021 में श्रीलंका का दौरा किया और राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ अपनी बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि वो बंदरगाह परियोजना के साथ साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के बारे में भी सोच रहे हैं, जिस इस रिपोर्ट में बकायदा यह दावा किया गया है। गुरेश शिक, तो इसमें बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन जाएगा तो राष्ट्रपति से भी मिलेगा, प्रधानमंत्री से भी मिलेगा, अन्य मंत्रियों से भी मिलेंगे, ये तो स्वाभाविक बात है। तो ये, और ये खबर झूठी है ना, इसको तो इस पर स्टैंड रखना चाहिए भारत को। मैं आपको भाजपा की तरफ से कह सकता हूँ, श्रीलंका की सरकार ने इतनी बड़ी चीज कर दी, कुछ आदमी को हटा दिया पद से। जब भी प्रधानमंत्री हमारे देश में जाते उसके उनके जहाज के अंदर ये अडानी अंबानी होते। प्रधानमंत्री 2014 में अगर शपथ ग्रहण करते हैं तो अडानी अंबानी आगे बैठे होते हैं। ये कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री व्यापारियों के बीच में, देश में नहीं कहा उन्होंने, ये विदेशी धरती पे जाके उन्होंने कहा मेहुल भाई मेरे साथ आए हैं। वो मेहुल भाई देश को चूना लगा के जा चुका है। इस पे तो कोई गुरेज नहीं कि मेहुल भाई प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था। गुरेश भाई, बात यही खत्म नहीं हुई, अब इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपने कहा कि श्रीलंका ने खुद खंडन कर दिया, ये गलत है, आप यही कह रहे हैं ना। मैं आपकी बात मान लूंगा, ना जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपकी बात। लेकिन अगला एक और पहलू है, कोयले का मसला है। और मसला ये है जो बात संजय सिंह कह रहे हैं उनके आरोपों के आधार पर कि जब देश में 27% से ज्यादा कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है सरकार के मुताबिक, तो हमारे देश की मोदी सरकार ने विदेश से कोयला खदानों से कई गुना महंगा कोयला क्यों खरीद रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की पेस जो थी वो उससे ज्यादा थी जितना कोयले के उत्पादन थी। तो जब इकोनॉमी ट्रैक पे आती है और तेजी से चलती है तो बिजली की खपत बढ़ती है, प्लस जो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं वो दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है वो कंपनी का नाम भी जो है वो अडानी कंपनी का होता है विदेश में, ये कैसे? मैं तो बोलता हूँ आप तिलक चावला नाम से कंपनी खोल दे और आप भी अप्लाई करें, आपके नाम से भी आ सकता है। आप कह रहे हैं कि भैया उत्पादन बढ़ा है 27%, आप ही के मुताबिक, और आप विदेश से खरीदते हैं, और विदेश से खरीदते हैं महंगा, ऑब्वियस सी बात है, वो समाज सेवा तो कर नहीं रहे। लेकिन जो विदेश से जिनसे आप ठेका लेते हैं वो कंपनी भी अडानी की होती है। विदेशी इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम 100% बढ़े हैं रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से, क्योंकि रशिया एक मेजर कोयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। लेकिन क्या यहाँ पे बिजली के दाम उस लेवल पे बढ़े? नहीं बढ़े।
अब जो बोली थी अंतरराष्ट्रीय नेक्सस क्या है भारत को बदनाम करने के लिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है कि चीन जरूर चाहेगा कि मोदी जी बदनाम हो, एक स्ट्रॉन्ग मैन है।